किसान भाई नमस्कार। आज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं महिंद्रा 575 XP प्लस और महिंद्रा 575 DI। और आज ये दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली में चलेंगे भाइयों, और काफ़ी मजबूत ट्रैक्टर है, ट्रॉली के किंग है महिंद्रा का ट्रैक्टर। दोनों पे बड़ी, इस पे बड़ी ट्रॉली है, उस पे थोड़ी छोटी है। और भाई जानकारी देंगे जिनका ट्रैक्टर है। देखो जी, ये है महिंद्रा 575 XP प्लस ट्रैक्टर है, बहुत शानदार ट्रैक्टर है। ये 2020-21 मॉडल है जी, 21 है, और ये 2020 मॉडल है। 14/9/28 के टायर हैं दोनों में। आप अंतर थोड़ा पीछे हो जाए, अंतर ये है, ये है आपका 47 हॉर्स पावर में, और जो ये ट्रैक्टर आता है ये 45 हॉर्स पावर में होता है, क्योंकि XP जो ट्रैक्टर है उसकी पावर थोड़ी ज्यादा होती है जी। और बाकी इसमें देखो जी, आप डंपर लगवा रखे हो, 12/7 का डंपर है जी जी, 11/6 का डंपर है। हाँ, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। और आज तक ट्रैक्टरों में अगर देखो, हमारे हर क्षेत्र के ट्रैक्टर अलग होते हैं, और इस ट्रैक्टर में जो हमारे क्षेत्र में अधिकतर इस्तेमाल करते हैं लोग, वो महिंद्रा 575 इस्तेमाल करते हैं सर। जी जी जी। और हमारे साइड में तो ज़्यादा महिंद्रा ही चलता है, और यहाँ भी मिट्टी में चलेंगे। और देखिए भाई, जैक पाइप लगा रहे हैं, इसका तैयार कर रहे हैं, देखा जैक लगा के तैयार कर दिया। और उधर जैसी भी खड़ी है, दिख रही हो तो वो आने वाली है, और ये ट्रैक्टर अब मिट्टी में चलने वाले हैं। बहुत बढ़िया डंपर है, अगर घंटों की बात की जाए तो ट्रैक्टर नया ही है बिल्कुल, 13/6 घंटे चल चुका है। कैसा चल रहा है भाई जी ये ट्रैक्टर? ये जी बहुत बढ़िया चल रहा है, ये बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, क्योंकि महिंद्रा 575 किसानों का ना शौक नहीं है, जान है किसानों की। और इसके अलावा एक 85 ट्रैक्टर है, वो थोड़ा बड़े ट्रैक्टर है, लेकिन एक मीडियम किसान है, अच्छी खेती है, वो बिकेगी, तो उसके लिए तो जी महिंद्रा 575 में तो ही कहूँगा बढ़िया ट्रैक्टर है। और बाकी आप आज इसकी वीडियो में टेस्टिंग देखेंगे कि कितना ताकत के साथ ये चलता है। किसान भाई, हम आपको एक बात बताने जाएंगे, अगर बड़ी ट्रॉली में ट्रैक्टर चला रहे हैं तो काफ़ी मजबूत हिच और गुल्ला चाहिए। देखिए कितना धाकड़ हिच लगवा रखा है भाइयों ने, और आगे बम्फर भी हैवी वेट में चाह रहा है, क्योंकि जब ट्रैक्टर उठता है और धसती है ट्रॉली तो गुल्ला भी टूट जाता है, तो इसलिए धाकड़ हिच और गुल्ला चाहिए, और ट्रॉली का भी गुल्ला मोटा चाहिए। देखो इस भाई ने भी धाकड़ गुल्ला लगवा रखा है, और हिच देखिए भाइयों, क्योंकि जब अनगढ़ जोर लगता है वेल्ड भी टूट जाते हैं। ट्रॉली के काम में मजबूत ही चाहते हैं हर चीज़, गुल्ले हिच और आगे ट्रैक्टर में वेट भी होना चाहिए। और अगर भाइयों जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।